प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई पर जारी सियासी लड़ाई में और उबाल आ गया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की धरपकड़ और गिरफ्तारी तेज हुई है। टीएमसी के एक और नेता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के स्वागत का ये अंदाज बता रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार कितनी तेजी से सवालों के गर्त में धंसती जा रही है। अनुव्रत मंडल टीएमसी के नामचीन नेता हैं, पार्टी का मजबूत चेहरा रहे हैं, लेकिन अब आरोपों के दलदल में फंसे हैं और अब तो आलम यह है कि उनकी अगवानी में चप्पलें लहराई जा रही हैं। गौर कीजिएगा, अनुव्रत मंडल को चप्पलों की बौछार से बचाने के लिए पुलिस को किस कदर पसीना बहाना पड़ रहा है। देखिए कैसे उनके आने से पहले चप्पल ब्रिगेड की तैनाती हो चुकी है और अनुव्रत मंडल इन लहराते चप्पलों की जद में ना आ जाएं, इसके लिए पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। अनुव्रत मंडल का ये मामला गुरुवार को पूरे दिन तृणमूल कांग्रेस का मुंह चिढ़ाता रहा। पहले से कटघरे में खड़ी ममता सरकार की भी पूरे दिन किरकिरी होती रही। बीरभूम की ये तस्वीर देखिए, जहां अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने ढोल नगाड़े बजवाए। और ये देखिए, ये बीजेपी के विधायक अग्रमित पॉल हैं, जो सड़क पर घूम घूम कर आने जाने वालों को मिठाइयां बांट रही हैं। एक के बाद एक करप्शन की खुलती कहानियों से ममता सरकार की साख पर सवाल है। सफेद दामन वाली ममता सरकार दागदार हो रही है। विधायक मंत्री से लेकर स्थानीय नेता तक भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसते जा रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट तमाम दल तृणमूल कांग्रेस पर आरोप बरसा रहे हैं। आसनसोल की ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। अनुव्रत मंडल को गुरुवार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने मवेशी तस्करी का आरोपी पाया है। आरोप है कि अनुव्रत मंडल बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए मवेशियों की तस्करी करवाते रहे हैं। 2015 से 2017 के बीच बीएसएफ ने 20,000 से ज्यादा मवेशियों के सिर बरामद किए और इनके पीछे तस्करी के तार पाए गए। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को 10 समन भेजे, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। सीबीआई जांच से भागते अनुव्रत को आखिरकार बीरभूम से दबोच लिया गया। अनुव्रत मंडल के खिलाफ सीबीआई ने 4 आरोप पत्र दायर किए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद तृणमूल कांग्रेस को यही लग रहा है कि ये सब उसे बदनाम करने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। अनुव्रत मंडल कोई नेता का आचरण नहीं किया, चोर का माफी का आचरण किया, जिन्होंने गाय तस्करी का साथ खुद शामिल है। इतना सारे सबूत उनके खिलाफ है, जो गौ माता को विदेश में बेचते हैं उनका खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। और तृणमूल का नेता लोग भी देखे, ये सीबीआई का बुलावा को नकारने का साजा क्या होता है, जहां पर भी आए वही से गिरफ्तार किया। टीएमसी जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल पर लगातार सवाल उठाती रही है। आज एक बार फिर ईडीआई सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर तृणमूल कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सबूतों और साक्ष्य के पुख्ता आधार को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है। सूर्याग्नि रॉय, ऋतिक मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।